वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। उस रात के बाद हर रात शरद मछली पकड़ने जाता और चंद्रभागा से भी मिलता, लेकिन उसके बाद हर दिन चंद्रभागा की खूबसूरती धीरे धीरे कम होती जा रही थी और शायद इसीलिए शरद भी धीरे धीरे चंद्रभागा से नफरत करने लगा था। एक दिन पूर्णिमा की रात को हमेशा की तरह शरद मछली पकड़ने के लिए घर से बाहर निकल गया। अभी वो आधे रास्ते में ही था तभी अचानक उसके सामने चंद्रभागा आ जाती है और वो उस दिन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही थी, वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिख रही थी। चंद्रभागा को सामने देखकर शरद ने कहा, तुम यहां कैसे? चंद्रभागा ने कहा, मैं यहां तुम्हारे लिए ही आई हूं। शरद ने कहा, देखो चंद्रभागा, मैं शादीशुदा हूं और उम्र में तुमसे बड़ा भी हूं, इसलिए हम आज के बाद कभी भी नहीं मिलेंगे। चंद्रभागा ने कहा, तो बाकी के दिन तुम मेरे साथ क्यों थे? तब तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम शादीशुदा हो और मुझसे बड़े हो? इस पर शरद ने कहा, देखो चंद्रभागा, मुझसे सवाल मत करो, हम आज के बाद नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे। चंद्रभागा ने कहा, मुझे पता है मैं अब खूबसूरत नहीं रही ना, इसलिए आप मुझसे भाग रहे हो। देखिए, आप मुझे अपनाने से ऐसे इनकार नहीं कर सकते। शरद ने कहा, देखो अब तुम चली जाओ यहां से वरना। चंद्रभागा ने कहा, वरना क्या, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे सच्चाई नहीं बताते। इस पर शरद ने कहा, तुम्हें सच्चाई सुननी है ना, तो सुनो, तुम बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो चुकी हो। तुमसे अच्छी तो मेरी पत्नी दिखती है और मेरी पत्नी के होते हुए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और मेरे जैसा बूढ़ा आदमी तो क्या, तुम्हें तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। शरद की इस बात पर चंद्रभागा को बहुत गुस्सा आता है और तभी उसका शरीर धीरे धीरे पहले की तरह खूबसूरत होने लगता है और ये देखकर शरद हैरान रह जाता है और वो चंद्रभागा से कहता है, तुम अभी तो बदसूरत थी ना, और अब कुछ ही पलों में तुमने ऐसा क्या किया कि तुम पहले की तरह खूबसूरत हो गई? आखिर तुम हो कौन? आखिर चंद्रभागा कौन है और वो बदसूरत से खूबसूरत कैसे बन गई, और क्या है इस कहानी का राज, जानने के लिए देखती रहिए चंद्रभागा सीरीज।